बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। सो अब उसके पेरेंट्स पे चिल्ला रहे थे, उसको डरा रहे थे, धमका रहे थे कि अगर वो नहीं उड़ेगा, वो नहीं उड़ने की कोशिश करेगा तो वो उसको खाना नहीं देंगे, वो भूखा मर जाएगा। वो उस पर चिल्ला रहे थे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के लिए भी, वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए भी, उसको पता था कि उसके पेरेंट्स को खाना नहीं देंगे तो वो मर जाएगा, लेकिन वो हिल नहीं पाया। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये 24 घंटे पहले हुआ था। सिंस देन नोबडी हैड कम हियर, उसके बाद कोई उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, उस दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट, उसने देखा उसके पेरेंट्स उड़ रहे थे विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके भाई बहनों के साथ, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उनकी उड़ने की जो उनकी आर्ट थी उसमें मदद कर रहे थे, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, उनको सिखा रहे थे कैसे जो पानी है उसकी जो वेव्स है उसको चीरते हुए, हाउ टू डाइव फॉर फिश, कैसे फिश के लिए डाइव लेके उसको पकड़ना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने देखा कि उसका जो भाई था, कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, उसने अपना पहला खाना पकड़ा एंड डिवोर इट, और खाया, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, उसने देखा कि उसके पेरेंट्स एक रॉक के ऊपर खड़े थे उसके अराउंड, उसके बड़े भाई के अराउंड, और हंस रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टोंटिंग हिम विद हिज कावर्ड आइज, उसने, और फिर पूरे मॉर्निंग भर उसकी फैमिली उसके आसपास घूम रही थी, जो उसका बिग प्लेटो था, मतलब जो पहाड़ियाँ होती हैं उनकी ऊपर नीचे जो चोटियाँ सी बनी नहीं थी बीच में, वहाँ उसकी पेरेंट्स, उसकी फैमिली उसके आसपास घूम रही थी और उसको टॉन्ट कर रही थी, उसको सता रही थी, उसको डांट रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी कि वो कितना डरपोक है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो अब सूरज था वो धीरे धीरे करके स्काई के और ऊपर आ रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, जहाँ वो खड़ा था, जिस साउथ डायरेक्शन में वो सीगल खड़ा था उसके ऊपर वहाँ चमक रहा था। ही फेल्ट द हीट, उसको गर्मी फील हो रही थी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, वो उसको गर्मी लग रही थी क्योंकि उसने पिछले रात भर से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे से उस चोटी के किनारे तक पहुँचा, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक लेग पे खड़ा हुआ और दूसरे लेग से अपने, और अपने दूसरे लेग को अपने विंग के पीछे छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई एंड देन दी अदर, उसने अपनी एक आँख बंद करी और फिर दूसरी करी, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग असलीप, और सोने का नाटक करा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अब इसमें दे कौन है, दे हैं उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन, वो उसको देख नहीं रहते। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग विद देयर हेड सक इन देयर नेक्स, उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई बहन थे वो तो आराम से सो रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो पापा थे वो अपने जो फेदर्स थे, उसके पंख थे, उनको धीरे करके मसाज कर रहे थे, सही कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी मम्मा उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ हाई हम्प ऑन द प्लेटो, वो सबसे ऊँचे वाले, जो जैसे ऊपर नीचे होती पहाड़ी, उसके सबसे ऊँचे वाले साइड पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन, शी टोर अ पीस ऑफ फिश एंड दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, उसने अपनी मम्मी को देखा कि उसकी मम्मी के पैरों के नीचे एक फिश थी जिसको धीरे धीरे करके नोच रही थी, और उसके बाद अपनी जो बीक होती है, उनकी चोच होती है, उसको रॉक पे रख के धीरे धीरे करके वो उसको पॉलिश कर रही थी, साफ कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, खाने को देख के वो एकदम पागल से उसका फीलिंग आ रही थी क्योंकि वो बहुत भूखा था। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. उसको कितना मज़ा आएगा वो खाना खाने में, वो यही सोच रहा था कि उसको वैसे ही खाना खाना है, उसको वैसे फिर अपनी खाना खाने के बाद अपनी बीक को रॉक के ऊपर रख के साफ करना है, वो बहुत भूखा था। गा 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 ही क्राइड, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो और रोने लग गया एकदम से कि उसको भी खाना चाहिए, वो अपनी मम्मा से मांगने लग गया। गा कुआ, उसकी मम्मा ने उसको मना कर दी एकदम से, उसको कह दी कि नहीं, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और पर वो चिल्लाने लग गया, वो बोलने लग गया। आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, उसके बाद वो जॉयफुली उसने एकदम वो मज़े से चिल्लाया, जैसे हम कभी कभी होता है ना, जैसे हम कुछ अपने पेरेंट्स से मांग रहे हैं और फिर जैसे हमें पेरेंट्स पहले मना कर फिर एग्री करते, हम एकदम से चिल्लाते नहीं खुशी के बारे, तो उस तरीके से चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी मम्मा ने एक फिश का टुकड़ा उठाया और फिर उसके आसपास वो घूमने लग गई। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet.
उसने फिर एकदम से पैरों से अपने रॉक के ऊपर जहाँ वो खड़ा था वो पैर जमीन पर वजह से अपने पैरों को मारने लग गया खुशी के मारे, ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। वो उसकी मम्मा के जैसे ही उसकी मम्मा ना उसके आसपास घूम रही थी उड़ते हुए, और फिर ना वो कोशिश कर रहा था आगे बढ़ के अपनी मम्मा की तरफ आके कि उसके मुँह से खाना उठा नहीं लेगा। बट वेन शी वॉज नॉट जस्ट अपोजिट टू हिम शी होल्टेड, बट जब उसकी एकदम सामने खड़ी थी वो एकदम से रुक गई, हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। वो उसकी एकदम से अपोजिट खड़ी थी और एकदम से उसने अपने पंख रोक दिए, और उसके बाद अब जो उसकी बीक थी ना वो एकदम उसके उस छोटे सीगल के सामने खड़ी थी, और बस कुछ ही इंच दूर था वो जो फिश का टुकड़ा था उसकी बीक तक आने से तक। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग वाई डिड शी नॉट कम नियर एंड देन मैडन बाय हंगर ही डाइव एट फिश। वो एक टाइम के लिए हो गया कि लाइक ये रुक क्यों गई, मुझे खाना क्यों नहीं दे रही, और फिर उसके बाद वो ना एकदम से उसको थोड़ा गुस्सा आ गया और वो धीरे से एकदम से आगे हो गया, एकदम से आगे वो उसने अपने पैर आगे चला लिया और वो आगे स्टेप फॉरवर्ड हो गया। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर एंड देन मैडन बाय हंगर ही डाइव एट द फिश विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इन द स्ट्रीम। फिर एकदम से वो तेज चिल्लाया क्योंकि वो एकदम से नीचे गिरने लग गया था, वो एकदम से उस शायद से वो पहाड़ी के बहुत आगे आ गया था और वो पहाड़ी के वो नीचे गिर रहा था। देन स्टूड अ मोस्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और फिर उसके बाद एकदम से एक बहुत खतरनाक वाला डर ना उसके अंदर आ गया था, और उसके बाद उसका दिल एकदम से रुक गया, वो ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, पर लेकिन वो सिर्फ एक मिनट ही चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसके दूसरे ही पल उसको फील हुआ कि जो उसके विंग्स थे वो फैल गए थे। ही कुड फियर द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो फील कर सकता था कि जो उसके विंग्स थे ना वो हवा को चीर रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉक नाउ, वो अब नहीं गिर रहा, वो अपने सिर के बल अब नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, वो ऊपर नीचे हो रहा था आसमान में। ही वॉज नॉट लॉन्गर अफ्रेड, वो अब डर नहीं रहा था। ही वॉज जस्ट फीलिंग अ बिट डिजी, वो थोड़ा सा मतलब डिजी फील कर रहा था, फेंट फील कर रहा था, जैसे मतलब बेहोश होने वाला होता है ना कभी हम डिजी फील कर रहे एकदम से हम भाग कर रहे हैं तो एकदम से हमारा सिर थोड़ा बहुत घूम रहा होता है, वो हो रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, गा 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 गा, जो भी है। His mother swooped past him, her wings making a loud noise. फिर उसके बाद जब वो उड़ने को धीरे धीरे करके उसके विंग्स फ्लैप हो रहे थे, उसकी मम्मी उसके आसपास इधर उधर चल रही थी, उसके जो विंग्स थे वो बहुत फड़फड़ा के बहुत तेज़ आवाज़ें कर रहे थे। He answered her with another scream. उसने अपनी माँ को आंसर करा एक दूसरी स्क्रीम से। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके बाद उसके पापा भी उसके आसपास घूमने लग गए और चिल्लाने लग गए उसके ऊपर खुशी के मारे। He saw his two brothers and his sisters flying around him, curvating and banking and soaring and diving. और फिर उसने देखा उसके आसपास जो उसकी बहन भाई थी वो भी उसके आसपास इधर उधर घूमने लग गए, लाइक वो सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि अब वो उड़ने की कोशिश कर रहा था और वो उड़ भी पा रहा था लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत हिल रहा था, तो सब लोग उसको उड़ उड़ के सपोर्ट कर रहे थे, दिखा रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंटेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कफ श्रिंकिंग श्योरली। फिर उसके बाद वो एकदम से भूल गया कि वो अभी कुछ ही पल पहले वो उड़ नहीं पा रहा था, उसको उड़ने से डर लग रहा था, उसको फिर तो उड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब वो उड़ रहा था, वो अब अपने भाई बहनों की तरह इधर उधर आसमान में उड़ रहा था, इधर उधर कर्व कर रहा था आसमान में ऊपर उससे नीचे करके डाइवे मार रहा था, बहुत खुश था वो। ही वॉज नियर द सीना, वो अब समुंदर के पास था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वो अब उसके ऊपर उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, वो एकदम ओशन के ऊपर से उड़ रहा था। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे बड़ा सा ग्रीन समुंदर देखा, विद लिटल रिजेस मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर उसने लहरों को देखा। ही टर्नड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड इम्यूजली, उसने अपनी बीक को ऐसे थोड़ा इधर उधर के क्या कहते हैं हम उसको कि लाइक वो अब उड़ रहा था और उसने अपने जो उसकी जो बीक थी उसने अपने सिर को इधर उधर घुमाया, और उसके बाद उसने अपने जैसे जो सीगल्स आवाज़ करते जैसे बर्ड्स आवाज़ करती हैं उसको कॉ कहते हैं, तो उसने कॉड करा खुशी के मारे। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, दे वर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग हिम श्योरली। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स स्टैंड टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हिज लैंग्स सैंग इनटू इट। फिर उसके बाद वो एकदम से पानी के अंदर वो आ गए, पानी के नीचे वो कूद गया, और फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स और उसके बड़े भाई बहन भी उससे पहले वहाँ पानी के अंदर कूद चुके थे। और फिर उसकी वजह से आपने देखा नहीं जो बत्तखें होती हैं, बत्तखें कैसे पानी के ऊपर तैरती हैं, उसी तरीके से वो तैर रहे थे। अब ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द सी ग्रीन सी, हिज लैंग्स सैंग इनटू इट, हिज स्क्रीम्ड फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, बट ही वॉज टायर्ड विद वीक एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड बाय दिस स्ट्रेंज एक्सरसाइज।
सो अब जैसे वो पानी पे उतरा, उसको थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि जैसा वो उड़ रहा था अब पानी में भी वो पहली बार ही तैर रहा था, तो उसको थोड़ा डर लग रहा था। तो उस टाइम पे उसको थोड़ा चिल्लाया, वो उसको फील हो रहा था कि उसको उड़ना चाहिए, किसी अब जो विंग्स थे वो भीग रहे थे, लेकिन वो भूख के मारे और काफ़ी पहले फर्स्ट टाइम उड़ने के उससे वो काफ़ी थक चुका था। और उसको फिर ये जो अजीबो गरीब तरीका था जिससे वो उड़ा, उससे थोड़ा उसको अजीब लगने लग गया। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक फर्दर। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड दी बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। ही हैड मेड हिज फर्स्ट राइड। और जैसे ही वो उस समुद्र के ऊपर तैर रहा था, उसकी फैमिली उसको तुरंत से खाना देने लग गई, और वो धीरे धीरे भी भूख मिटा रहा था, और उसको एकदम उसको प्रेस कर रही थी उस पर, मतलब खुशी के मारे चिल्ला रही थी, लाइक बहुत अच्छा, बहुत शाबाशी दे रही थी। और उसके बाद उसने अपनी पहली उड़ान भर दी। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, द फ्लाइंग स्टोरीज का फर्स्ट पार्ट। सो ये मैं वीडियो मैंने सेकंड में कंप्लीट कर दी, थोड़ी सी बड़ी हो गई स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी। और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट कर लेंगे।